हेलो फ्रेंड्स आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे आज एच पी यू बी एड फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में तो 80 मार्क्स का ये पेपर होता है टाइम दिया जाता है थ्री आर्स और इसमें भी सेक्शन ए बी सी डी एंड ई होता है सेक्शन ए कंपल्सरी होता है और सेक्शन बी सी डी एंड ई में आपके पास एक ऑप्शन होता है तो सेक्शन ए में क्वेश्चन आए थे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आर्टिकल ए ए यानी कि अनुच्छेद टिप्पणीबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज शैक्षिक अवसरों की समानता के उद्देश्य फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के कारक एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कोठारी कमीशन कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कल्चर एंड मॉडर्निटी यानी कि संस्कृति और आधुनिकता ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन यानी कि वैश्वीकरण और शिक्षा सेक्शन बी में क्वेश्चन थे क्रिटिकली एनालाइज द एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कंस्टिट्यूशनल वैल्यूज संवैधानिक मूल्यों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का समलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए डिस्कस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन शिक्षा के लिए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए सेक्शन सी में क्वेश्चन आए थे डिस्कस द डिफरेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू तो एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन में विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करें डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स भेदभाव को परिभाषित करें इसके विभिन्न संवैधानिक रक्षोपायों की विवेचना कीजिए सेक्शन डी में क्वेश्चन आए थे ब्रीफली डिस्कस द रिकमेंडेशन्स ऑफ एन पी ई नाइनटीन एटी सिक्स ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा पर एन पी ई उन्नीस सौ छियासी की सिफारिशों पर संक्षेप में चर्चा करें वॉट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ़ मिड डे मील स्कीम डिस्कस डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन मध्याह भोजन योजना के उद्देश्य क्या है इसके कार्यान्वयन की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कीजिए सेक्शन ई में क्वेश्चन थे क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर्यावरण संरक्षण में शिक्षा की भूमिका का समलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन यानी कि भारतीय शिक्षा पर उदारीकरण वैश्वीकरण और निजीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए तो आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन पेपर का आइडिया लग जाएगा इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you and stay connected for more videos.